ডালি তোরকে বেচাই, ডালি তোরকে বেচাই। ও মেরে প্রভু ইয়েরুসালেম কো গায়, ইয়েরুসালেম কো গায়। ও মেরে প্রভু ইয়েরুসালেম কো গায়, ইয়েরুসালেম কো গায়। জব ইয়েসু ইয়েরুসালেম কে নিকট পৌঁছে और जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे आ गए, तो यीशु ने दो शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गद्दी मिलेगी और उसके साथ एक बछेड़ा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो कह देना, प्रभु को इनकी जरूरत है देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं, वह विनम्र है, वह गधे पर बछड़े पर लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार है। शिष्य चले गए, यीशु ने जैसा आदेश दिया उन्होंने वैसा ही किया। गद्दी और बछेड़े ले आकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते बिछा दिए, कुछ लोगों ने पेड़ों की डलियां काटकर रास्ते में फैला दी। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होजाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होजाना। यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, यह कौन है? और जानता उत्तर देती थी, यह गलीलिया के नजरेत के नाबी यीशु है। प्रभु का सुसमाचार है। Yeah.
आगे पीछे चलो ने
Teşekkür ederim.